नहीं होने देंगे, तो आप चिंता मत करिए। अच्छा, जो शुरुआती रुझान है, देखो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में आप देख रहे हैं कि चार भाजपा के, चार कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के हैं। लेकिन क्या अगर आप देखेंगे 2019 में क्लीन स्वीप क्या था, 10 की 10 सीटें जो थी वो भाजपा के पक्ष में आई थी। लेकिन अगर आज चार सीटें अगर जो भी शुरुआती रुझान में इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रही है, तो जनता का रुझान जो है साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से जो जनता है उसने भाजपा को नकारने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और इसका जो नतीजा है वो आगे जैसे जैसे रुझान जो बढ़ता जाएगा उसमें वो साफ साफ दिखता रहेगा कि किस प्रकार से जनता ने भाजपा को नकारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं कि भाजपा को नकारते हैं, आप लोगों के साथ जाते हैं। बड़ा सवाल, 230 पर फिलहाल एनडीए और 138 पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो रुझानों में आगे चल रहा है। ये अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें, 4 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी, कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार जो रिजल्ट हैं वो ये बता सकते हैं कि वोटर्स जो है वो सब कुछ बताते नहीं है। जादौन साहब, वोटर्स जो है वो वैसे भी आप उनसे बात कीजिए, कुछ तो साइलेंट होते हैं जो कुछ कहते ही नहीं है। और ये कहा जाता है कि साइलेंट वोटर बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है क्योंकि उनका वोटर जो है वो वोकल नहीं है। लेकिन इस बार शुरुआत में ही इतनी कड़ी टक्कर जो हम लगातार देखते आए हैं और लगातार कहते रहे हैं कि ऐसी बहुत सी सीटें हरियाणा में हैं जो बिल्कुल फंसी हुई हैं, जिनको लेकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्लस जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी। नहीं देखिए, कड़ा मुकाबला हो गया और उसका कारण था कि 10 साल का शासन हो गया, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी क्रिएट होती है। और इसके अलावा मतदाता बहुत साइलेंटली देखता है, बड़े गौर से फैसला करता है। देखिए 2014 में भी जनता ने ही चुनाव लड़ा था, क्योंकि जनता जो है 10 साल का यूपीए का शासन देख चुकी थी। मुंबई हमला हुआ और तमाम तरह के आतंकवादी हमले हुए, तमाम तरह की घटनाएं हुई और कई करप्शन के केसेज हुए, तो उसका लाभ जो है फिर अपोजिशन में बैठी भारतीय जनता पार्टी को मिला। और उनको ये लगा कि हमने कमाल कर दिया। कमाल तो मतदाता ही करता है हमेशा, 77 में भी उसने किया। अभी भी महंगाई बेरोजगारी बहुत हाई पर है, स्काई लेवल पर पहुंच चुकी है, आसमान छू रही है महंगाई। स्थिति ये है कि अभी मतदान होते ही टोल प्लाजा के राजमार्ग प्राधिकरण ने 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया और कई डेयरियों ने अपना दूध की कीमतें बढ़ा दी। एक बार देखेंगे जालौन साहब, एक बड़ी खबर आ रही है उसकी, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, हम उसकी जानकारी भी दे दें। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार आगे चल रहे हैं, टक्कर सीधे इनके बीजेपी के कैंडिडेट मनोज तिवारी से। और फिलहाल कन्हैया कुमार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं, मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर फिर पीछे हुए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर साहब फिर से पीछे हो गए हैं, आगे पीछे, कभी दिव्यांशु बुद्धि राजा आगे चल रहे हैं, कभी खट्टर साहब आगे चल रहे हैं, फिर आगे चले जाते दिव्यांशु बुद्धि राजा, खट्टर साहब पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर से खट्टर साहब आगे निकल जाते हैं। तो रेस चल रही है आगे पीछे फिलहाल हो रहा है, आप देखिए। लेकिन कड़ा मुकाबला कितना है, एक तरफा बिल्कुल भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती ट्रेंड्स हैं, हालांकि हम बार बार बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स हैं, ये रुझान है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। 230 पर एनडीए, 138 पे इंडिया, 4 कांग्रेस प्लस और 4 बीजेपी आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं। हरियाणा से ये भी जो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब फिर से पीछे हो चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं लगातार, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे, दिव्यांशु बुद्धि राजा आगे चल रहे हैं। और अम्बाला से बंतो कटारिया जो है वो आगे चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, बड़ी जानकारी। आप देखिए हरियाणा में जो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं उसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, 10 लोकसभा सीटों में लोग किसको चुनते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या स्थिति रहती है, ये तमाम चीजें अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। शुरुआती जो रुझान है वो बहुत कुछ बयां करते हैं और वो साफ तौर पे ये बयां कर रहे हैं कि हरियाणा में मुकाबला इतना आसान नहीं है। 11 सीटें भले ही बीजेपी जीतने की बात कर रही हो, लेकिन कांग्रेस कड़ा मुकाबला दे रही है, गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं करनाल से, लेकिन मनोहर लाल खट्टर एक बड़ा चेहरा वो पीछे लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। बीजेपी गुड़गांव से आगे चल रही है, कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी आगे, हिसार से कांग्रेस आगे चल रही है फिलहाल, अंबाला से बीजेपी, सिरसा में भी कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। तो ये
बड़ी अपडेट्स आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से पल पल तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए लीड जो है फिलहाल अंबाला और गुड़गांव में ही भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। सिरसा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार, यहां पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि अपडेट हमें जल्दी से मिले, हमें मालूम चले कि फरीदाबाद से क्या कुछ जानकारी आ रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखबीर तंवर साहब भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। तंवर साहब बहुत स्वागत, क्या लगता है शुरुआती रुझान जो है ज्यादातर गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में नजर आ रहे हैं, आगे